आई जस्ट इन्वाइट मिसज आबदा इनामदार कि वो अपने ख्याल आपसे शेयर करें सुरेंद्र कुलकर्णी फिरोज़ अंकल हमारे साथी शबिस्तान गफर और यहाँ बहुत सारे हमारे जाने पहचाने चेहरे बैठे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव्स और दीगर मेहमान सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम आपको इस महफिल में आपको मिलने के लिए अभी जैसे बताया गया है कि मैं मेंबर हूँ गर्ल्स कमेटी और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन न्यू दिल्ली के और शबिस्तान गफ्फ़ार के साथ हमने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया अलग अलग रीजन्स में जो कि पांच रीजन्स थे और वहाँ हमने सेमिनार्स वर्कशॉप्स किया और उसकी पूरी रिपोर्ट हमने एच मिनिस्ट्री को सबमिट की थी और एच मिनिस्ट्री ने भी वहाँ बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया वह उसके बाद मैं यहाँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की प्री प्राइमरी एजुकेशन एक्ट की भी मैं मेंबर में थी और उस पर भी मैंने बहुत काम किया था और वो जो हमने सबमिशन जो किया था रिपोर्ट वो ऑनलाइन रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने और पब्लिक से अपने उनके ओपिनियंस मांगे हैं लेकिन क्योंकि आचार संहिता और इलेक्शन वगैरह है तो उसका वो एक्ट पास नहीं हुआ वो, वो अभी तक बिल में ही है उसमें भी हमने सजेशंस दिए थे और मैंने खास कर सजेशन दिए थे वो ऑनलाइन है आपको देखना तो उस पर आप देख सकते हैं मैं उसमें खासकर आईसीडीएस के बारे में कहूंगी क्योंकि शबिस्तान गफार ने जो कहा था कि आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनानस्ड स्कीम है और हर स्टेट को वो चलानी है कई सालों से चल रही लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो मैंने उसके स्टेटस निकाला डोंट पुट नो 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 तो वो पूरा निकाला तो मैंने उसके रिपोर्ट मैंने सबमिट किया इन राइटिंग मैंने सबमिट किया है और फौज़िया ख़ान जो मिनिस्टर थी उन्होंने भी एग्री किया और हमारे रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ ये महाराष्ट्र स्टेट में आईसीडीएस सी डी एस की जितने बालवाड़ीज़ चलते हैं आंगनवाड़ीज़ चलते हैं वो सिर्फ मराठी मीडियम में चलते हैं जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है क्योंकि इस फोरम से मैं बात कर रही हूँ और विथ एन कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी से मैं बात कर रही हूँ जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो कोई रीजनल लैंग्वेज में चल नहीं सकती क्योंकि फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ ये बोला गया है वो स्कीम में बोला गया है कि ये स्कीम मदर टंग में होनी चाहिए क्योंकि तीन से छः साल की उम्र के बच्चों के लिए यह तालीम देनी चाहिए जिसको कि प्री प्राइमरी कहते हैं और छः से चौदह साल अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है तो मैंने ऐसे सजेशन किया हुआ है और वो ऑनलाइन है आप देख लीजिएगा कि हमने दिया हुआ है कि जो बच्चा जिस मीडियम में सीखना चाहता है चाहे वो उर्दू मीडियम हो मराठी हो हिंदी हो कन्नड़ा हो मलयालम हो उसमें आईसीडीएस की तालीम दी जाए और ये मैं फिर डिमांड करूँगी इस फोरम से कि आईसीडीएस की तालीम अपनी मदर टंग में होनी चाहिए या वो जिस मीडियम में चाहते हैं अगर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को मराठी मीडियम में सिखाएं तो कोई ऑब्जेक्शन लेकिन अगर वो चाहते हैं उर्दू मीडियम से कि उसका एक एक रिप्रेजेंटेटिव जलगांव से वहाँ ये गया हुआ है और प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया तक ये गया हुआ है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस फोरम से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि आई की स्कीम आप खास कर उर्दू मीडियम और ख़ास कर मुस्लिमों के लिए उन बच्चों के लिए जो सीखना चाहते हैं उर्दू मीडियम से या मराठी मीडियम से उसकी स्कीम को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा दूसरी चीज़ आर्टिकल थर्टी ब्रैकेट वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस पर हमने बहुत काम किया है जो कि फंडामेंटल राइट्स है और कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से इसको चल रहा है कि वी हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर चॉइस आवर मींस द कम्युनिटी जो वो चाहती है माइन जिसमें जो ये कहते हैं रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है तो रिलीजियस में छः माइनॉरिटीज़ होते हैं जिसमें मुस्लिम होते हैं क्रिश्चन होते हैं सिख पारसीज ओल्ड बुद्धिस्ट और अब जैन को भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है पहले से महाराष्ट्र में थे लेकिन अभी ऑल इंडिया पर भी जैन माइनॉरिटीज़ में उनमें इंक्लूड हुआ है तो उनको राइट right है टू एस्टैब्लिश और क्या लेवल की राइट right है के जी टू पी एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ इसके कई सुप्रीम के कोर्ट के जजमेंट्स है हाई कोर्ट के जजमेंट्स है जिसके डिटेल्स यहाँ कमीशन ने भी दिए हुए और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हमने रखी हुई है उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जहां तक ओबीसी का सवाल है आर्टिकल 15, 16 का और अब जो स्पेशल रिजर्वेशन आया हुआ है इस पर भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं क्योंकि ख़ासकर महाराष्ट्र में मुस्लिम्स और मराठास के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया हुआ है फोर टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट इस पर भी काम हो रहा है क्योंकि इलेक्शन चले हुए और आचार संहिता है और इसके बाद शायद उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसमें ख़ास कर मुस्लिमों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन की सहूलत हो जाएगी और उस पर भी हमको बहुत सारा काम करना होगा हम कर रहे हैं इनामदार साहब और हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है जहाँ तक अभी क्योंकि वहाँ आने के बाद मुझे दिया गया है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं और उस पर आप थोड़ा सा बात करें तो चैलेंजेस तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं जैसे ये बुक में इन्होंने प्रिंट किया है हमारा आ, इनामदार साहब का और एम सोसाइटी का जो हमारा काम है उसके बारे में प्रिंट हो चुका है आप इसको पढ़ लीजिएगा इसके डिटेल्स और जो महाराष्ट्र में हैं वो सभी जानते हैं कि पुणे में हम क्या काम कर रहे हैं पी इनामदार साहब और यानी पूरी टीम मैं महाराष्ट्र कॉस्मोपोलिटन एजुकेशन सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूं इस सिलसिले से ये मैं आपको बता रही हूं चैलेंजेस क्या हैं और हमने उसका चैलेंजेस बहुत सारे हैं सवाल करने के बदले उसके जवाब हमें सोचने चाहिए जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं मसाइल हैं उसके हल हमें सोचने चाहिए और सोचना ये चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं तो हमने जो आज़म कैंपस में किया है आपके सामने एक पावर पॉइंट प्रजेंटेशन में थोड़ा सा कर रही हूँ कि ये हमारे पास एक कैंपस है जिसमें चौबीस एकड़ है चालीस बिल्डिंग है ट्वेंटी नाइन इंस्टीट्यूट्स है जिसमें बारह प्रोफेशनल कॉलेजेस है और बाकी के जी टू पी जी एंड रिसर्च सत्तावीस हज़ार हमारे यहाँ स्टूडेंट्स है ट्वेंटी फोर बाई सेवन इंटरनेट फैसिलिटी और जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ते हैं इसमें यूनिवर्सिटी बोर्ड टॉपर्स कई सालों से हमारे यहाँ चलते आ रहे हैं यानी क्वालिटी एजुकेशन पर हमने ज़ोर दिया है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहाँ इंटरनेशनल नेशनल एंड स्टेट प्लेयर्स हैं और ये जो हज़ार कैपेसिटी का और 600 कैपेसिटी का बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल तो जो हम कर रहे हैं उसके आपको इसलिए बता रही हूँ कि मॉडल उन्होंने कहा व्हाट इज़ अ सक्सेस स्टोरीज तो ये यह इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हमने सबसे ज्यादा जोर दिया है ये हिस्ट्री थोड़े से बता रहे कि 1948 में इमीजिएटली आफ्टर दिस वन 1947 यह ये हमारी सोसाइटी एस्टेब्लिश हुए और माइनॉरिटी स्टेटस रखती है अंडर आर्टिकल 30 ब्रैकेट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके तहत हमने कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लाए हैं जिसके तहत हमने कई इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए हैं जिसमें लॉ कॉलेज है बी कॉलेज है और कई आज हमारे पास डेंटल कॉलेज है फिजियोथेरेपी कॉलेज है फार्मेसी कॉलेज है और भी यानी जो भी हमारे बारह प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं इसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन्स की जो फैसिलिटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे यहाँ कई बच्चे जो हैं ये माइनॉरिटी के बच्चे खासकर गर्ल्स हमारे कैंपस में आती है और वो रहती है नेक्स्ट हर साल हमारे यहाँ से तकरीबन चार हजार ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं उसमें ज्यादातर गर्ल्स होते हैं सत्ताईस हजार में से तकरीबन बारह हजार हमारे यहाँ गर्ल्स हैं तो ये उसका और माइनॉरिटी का ये सबूत है कि अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेबलिश करते हैं तो उसकी वजह से कई लोगों को फ़ायदा होता है और खासकर माइनॉरिटी के गर्ल्स का तो 19 इसमें हमारे यहाँ जब 1988 में ये सवाल आया था कि आबदा इनामदार जूनियर कॉलेज कैसे इस्टेब्लिश हो या जूनियर कॉलेज कैसे इस्टेब्लिश हो परमिशन तो मिला था लेकिन क्योंकि तीन साल या छः साल तक नो ग्रांड बेसिस पर चलना था सोसाइटी के पास पैसे नहीं थे तो अलहमदिल्ला क्योंकि अल्लाह जो देता है उसके पीछे कोई मकसद होता है तो जो कुछ मेरे पास था जो सोना था जो एफ था जो बाकी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ी थी तो जो जी था जी मेरा था वो मैंने दे दिया और मैंने सोचा कि जेवर से बदले कि इल्म का ज़ेवर मैं लोगों को दूं ये नहीं मैं इसमें मेरा बड़कपन नहीं है ये अल्लाह का करम है कि मैंने जो कुछ कंट्रीब्यूट किया वो आबिदा इनामदार जूनियर कॉलेज मैंने इस्टेब्लिश की इसी तरह 1990 में आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज एस्टेब्लिश किया और हमने छः साल तक नो ग्रांड बेसिस पर उसको चलाया आज वहाँ दस हज़ार बच्चियाँ पढ़ती हैं और यही है कि अगर आपके पास कुछ दिया है अगर आपके पास दौलत है वक्त है जो भी आपके पास दिया है हो उसको आप कंट्रीब्यूट करें टाइम आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जैसे इन्होंने कहा कि आप टाइम भी दे सकते हैं तो देने का अगर इरादा हो और नीयत अगर साफ हो तो इसका बहुत बरकत होती है ये हमने देखा हुआ है नेक्स्ट दूसरी चीज़ जैसे बता रहे थे कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के और कई प्राइवेट ट्रस्ट फाउंडेशनस हैं जो स्कॉलरशिप्स देती है इर रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर एनी एंड पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स ख़ासकर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में थर्टी जो है रिजर्व है गर्ल्स के लिए और हमारे यहाँ हमने स्कॉलरशिप सेल कायम किया है लेकिन काम करने का तरीका दौर बदला है तो काम करने के तरीके हमको बदलने होंगे ये हमारे यहाँ 24 फोर बाय सेवन काम कर रहे हैं स्टाफ और 365 डेज ये काम करते हैं उस सेल पर हम खर्च करते हैं तकरीबन 15 लाख रुपए, लेकिन जो स्टूडेंट्स को ई बैंकिंग के तहत स्कॉलरशिप मिल रही है अराउंड 5 करोड़ टू तो 6 करोड़ पर एनम, वी आर गेटिंग सो वे ऑफ वर्किंग हैज़ टू बी चेंज ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट के स्कीम्स नहीं मिल रहे मैं इसके मैं इसको मानने वाले में से नहीं हूँ एट टू नाइन्टी हमारा सक्सेस रेट है क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सिस्टम रखी हुई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का हम स्टाफ काम करता है और उनको काउंसलिंग भी हम करते हैं कि कौन से फॉर्म भरे जाएँ कहाँ कैसे भरे जाएँ वगैरह वगैरह ये है कि हमारे बहुत सारे जो प्राइवेट ट्रस्ट फाउंडेशन है उसके हम नोडल एजेंसीज के तहत भी हम काम करते हैं और उनको हम रेकमेंड करते हैं और कई बच्चों को कई हज़ार बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है अगर आप सिंसियरली काम करेंगे आप सिंसियरली रेकमेंड करेंगे तो ऐसे कई टाटाज है मल्होत्राज है पूनावालाज है और बहुत सारे हमारे पास लिस्ट है आई हैव ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पेजेज ओनली ऑन स्कॉलरशिप एनी बडी वॉन्ट्स आई आई एम रेडी टू गिव दैट फ्री ऑफ चार्ज तो ये हमारा सक्सेस रेट है आगे नेक्स्ट मैंने इस्टेब्लिश किया अभी बचत दैट आज का जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है तो चैलेंजेस इज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी राइट टाइम एट राइट एज एट राइट प्लेस आपको देना होगा इस लिहाज़ से हमने पूना म्यूंसिपल कॉरपोरेशन के तकरीबन जब वहाँ थर्टी फोर स्कूल है उसमें से बीस स्कूल हमने अडॉप्ट किया है और वहाँ हमने आई टी लैब्स एस्टैब्लिश किए हर लैब के पीछे हमने खर्च किया कई लाखों रुपया वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर है उसकी सैलरी हम देते हैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेज़ हम उनको देते हैं क्योंकि उर्दू मीडियम स्कूल है और इसी तरह वहाँ की जो इलेक्ट्रिक बिल है वो भी हम देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि राइट इन्वेस्टमेंट एट राइट टाइम एट राइट प्लेस है पाँच साल छः साल का बच्चा अगर आई टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है इंटरनेट पर है और चार साल के बाद अगर वो ख़ुद का ई रखता है तो बाहर लोगों के साथ वो कदम से कदम मिलाकर आंख से आंख मिलाकर और ये कि प्रोग्रेस में या तरक्की में वो आगे बढ़ सकता है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ बिगेस्ट चैलेंज और मेरे ख़्याल से वो इतना महंगा नहीं है अगर आप उसको समझते हैं क्योंकि तो आगे जाके दूसरी चीज़ों पर खर्च करने से बेहतर है कि ये चीज़ पर आप खर्च करें हमारे कैंपस में तो किया है लेकिन एम एस सी आई टी का ये रिज़ल्ट है कि कितने एम एस एम एस सी आई टी बच्चे सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स हैव पास विथ एटी सिक्स टू नाइन्टी सिक्स परसेंट और ये क्या एज के बच्चे हैं जो फोर्थ स्टैंडर्ड टू सेवन स्टैंडर्ड के बच्चे हैं खेड़ में हमारे यहाँ बैठे हैं खतीब साहब वहाँ पर भी, भी हमने इस्टेब्लिश किया है ऐसे और कई जगह हैं जैसे कि नासिक है अहमद नगर है औरंगाबाद है और ऐसे अलग अलग जगहों पर ये ऐसे कंप्यूटर लैब्स हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है और हम समझते हैं कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम ले जाएंगे तो ऑनलाइन या बाकी और भी चीज़ें जो आ रही है जो फ्यूचर का चैलेंज है जो हर एक का चैलेंज है ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों का है सिर्फ लड़कियों का है तो ये चीज़ हम उन तक पहुँचा सकते हैं नेक्स्ट जो कुछ हमारे पास स्टाफ है उसमें स्टाफ में हमने नाइन्टी टू नाइनटी परसेंट स्टाफ को हमने एम एस सी किया है दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ पूना म्यूंसिपल कॉरपोरेशन ये क्या है उनका देखिएगा ये सब इतने बच्चे क्या रेट पर पास हुए 90 परसेंट एंड अबाव एम एस ये पास है एम एस सी आई टी इज महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कम्पल्सरी है टेंथ के बाद ट्वेल्थ के बाद फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट इन महाराष्ट्र लेकिन ये बच्चे फोर्थ स्टैंडर्ड में किस, बच्च, किस बच्चे किस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं फोर्थ टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं अब यही बच्चे ट्रिपल सी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपलसरी है ये भी एग्जामेशन ये बैठे हुए हैं और कल ही उनका रिजल्ट आया है दे आर दे हैव ऑल्सो पास्ड विथ सेवेंटी एट परसेंट यानी इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल तय है कि ये बच्चे इसी तरह दसवीं तक ये बच्चे आठ ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेट्स लेंगे जो के इंटरनेशनली अप्रूव्ड ऐसे सर्टिफिकेट्स रहेंगे मैं ये बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि अगर करना चाहे इरादा हो अटल तो मुजजा ऐसा भी होता है कि दिए को ज़िंदा रखती है हवा ऐसा भी होता है तो इरादा आप कर लीजिए कि आपको क्या करना है किस फील्ड में करना है कहाँ करना है तो ये इन्हें हमने कर दिखाया ऐसे नहीं है कि ये खाली हवा की बातें रियली आपके इन्हें बच्चे जो हैं आपको पता है कॉरपोरेशन स्कूल में उर्दू मीडियम स्कूल में कैसे बच्चे आते जो गरीब है केले बेचने वालों के बच्चे हैं जो के स्लम्स में रहने वाले बच्चे हैं इनकी अगर बाकी और डिटेल्स भी हमारे पास हैं पावर पॉइंट कि उनके घर कैसे हैं क्या फैसिलिटीज है लेकिन वो बच्चे टैलेंट सब जगह होता है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इसलिए वो पीछे रह जाते हैं तो हमको अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है नेक्स्ट ये स्पोकन इंग्लिश के स्किल डेवलपमेंट के ये हमारे कॉरपोरेशन के लेबॉटरीज हैं जहाँ बच्चे कॉरपोरेशन स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और इस डिसिप्लिन से इससे उनका जो ड्रॉप आउट रेट है ज़ीरो हुआ है उनके एबसेंटी जीरो हुए हैं और जो बच्चे सरपरस्त है वालदे हैं इनके एटीट्यूड में भी चेंज है शादियों में नहीं जाते हुए छुट्टियों में जो समर वैकेश होते हैं वहाँ भी वो अपने बच्चों को लाके इस इसमें इस, इस क्लासेस में उन्होंने बच्चों को लाके उन्होंने उसका अटेंडेंस रखा है तो ये है कि आपने अगर कुछ सही काम किया तो उसका रिजल्ट भी आता है और एटीट्यूड में समाज में वो भी बदलता है नेक्स्ट ये ई लर्निंग है ई लर्निंग के डिटेल्स हैं कैसे हमने किया है कि टोटल टाइम टेबल में 20 परसेंट हमने आईटी के लिए दिया है क्योंकि टेंथ में ही पहला बोर्ड एग्जामिशन होता है बाकी सब तो इंटरनल एग्जामिशन आपको टाइम टेबल थोड़ा चेंज करना है वो लिहाज से आपका वो उसमें फर्क आ जाता है ये तमाम जो चीजें स्टाफ को हम सिखाते हैं एमएससीआईटी एनिमेशन हार्डवेयर ट्रेनिंग नेक्स्ट ये गर्ल्स स्कूल के हमारे लैब्स हैं महाराष्ट्र कॉस्मोपोलिटन एजुकेशन सोसाइटी के एंग्लो उर्दू गर्ल्स स्कूल नेक्स्ट ये ख़ास एक स्कीम हमने किए थे स्कॉलर बैच टैलेंट सर्च एंड प्रमोशन स्कीम जो दसवीं में बच्चे 85 परसेंट मार्क्स लेते हैं वो ट्वेल्थ में आने के बाद 60 परसेंट हो जाते हैं तो उसका क्या वजह हमने देखा कि ये कि उनका प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता और उस वक्त उन पर जो कॉन्सेंट्रेशन करना होता है वो नहीं होता है तो हमने ऐसे बच्चों को लाया और ऐसे इलेवन टवेल्थ साइंस के लिए हमने उनको रहना खाना और बाकी तमाम चीज़ें फ्री हमने किया हुआ है और उसके रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं उसका बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है कई नाइन्टी एट से हम कर रहे हैं और ऐसे कई इंजीनियर्स डॉक्टर्स फार्मासिस्ट वगैरह पास आउट हुए हैं और माशाल्लाह आज अच्छी जगहों पर वो प्लेस हुए हैं नेक्स्ट वी टेक टू हंड्रेड स्टूडेंट्स पर ईयर सो नेक्स्ट टू फॉर टू ईयर्स सो फोर हंड्रेड स्टूडेंट्स आ गए उनका हॉस्टल वगैरह रहना वगैरह सारा सब स्पेशल है स्पेशल उनका यूनिफॉर्म है स्पेशल टाइम टेबल है और हर चीज़ उनकी बहुत ही यानी उसको माइन्यूटली उसको हमने माइक्रो प्लानिंग के साथ किया हुआ नेक्स्ट सिंस 1998 नाइन्टी यहाँ कई लोग बैठे होंगे जो अपने बच्चों को रिश्तेदारों को उन्होंने देखा होगा कि उसका फ़र्क क्या है जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो हमारा आबिदा इनामदर जूनियर कॉलेज 1989 जैसे मैंने कहा कि उसकी टोटल स्ट्रेंथ 2500 है और आज आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज में uh, 5000 थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं प्लस हमारे जो स्कॉलर बैच में है उसके स्टूडेंट्स अलग नेक्स्ट आबिद इनामदार सीनियर कॉलेज के ये हमारे टॉपर्स हैं टॉपर्स इन द यूनिवर्सिटी यानी ये नहीं है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है या बाकी तमाम चीज़ें उसमें फिर मैं कह दूं कि इसके अंदर लड़कियां हमारे सबसे ज़्यादा है आप देखिएगा 75 फाइव परसेंट लड़कियाँ तो ये नहीं है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसके लिए हमने कुछ चीज़ें की है जैसे हमारे टीचर्स इज़ बीन अपॉइंटेड ऑन मेरिट एंड पर्टिकुलरली वी टेक एनी बडी इस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड द टीचर्स एंड द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन वी टेक इट ऑन मेरिट और किसी की चिट्ठी भी हम नहीं लेते और कोई किसी के एक कप चाय भी हम नहीं पीते ये भी हर कोई यहाँ विटनेस है उस चीज़ का रिजल्ट ये है कि हमारे बच्चे हर कॉलेज से चाहे वो लॉ कॉलेज हो चाहे डेंटल कॉलेज हो सीनियर कॉलेज हो एनी सब्जेक्ट दे आर द टॉपर्स इन द यूनिवर्सिटी और ये कोई आसान काम नहीं है ऐसे ही एस बोर्ड है एस बोर्ड है इसमें हमारे टॉपर्स रहे स्टेट लेवल पर भी रहे और बोर्ड में भी कई टॉपर्स रहे नेक्स्ट ये जस्ट एक झलक है यानी मैंने जो बताया वो एक झलक है ये भी इसमें भी देखिए कि कहीं टॉपर्स हमारे यहाँ रहे हुए नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा पर बड़ी बहसें होती हैं और बहस बड़े सेमिनार्स होते हैं लेकिन हमने ये किया कि हम हम सम हमने समझा कि अगर मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा करना है तो वहाँ के टीचर्स को मॉडर्न करना होगा उनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोड़ना होगा ये आलिमा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हमने खुद इसको कोर्स को डिज़ाइन किया उसको इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट ये आए कि वो जो वहाँ के उनके एटीट्यूड में चेंज है और वो जहाँ जहाँ जिस मदरसे में भी वो आलिमा उमा गए हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उसके थ्रू लोगों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट और एक हमने काम किया कि जो इसमें मस्जिदों में जो इमाम जो मोजिन होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को आगे पढ़ा नहीं सकते तो हमने कहा कि उनके बच्चों का आप जिस स्कूल में इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ाना चाहते हैं हम आपको फुल्ली फाइनेंस करेंगे उनके ये तमाम बच्चे हैं जिनको हम फाइनेंस कर रहे हैं और ऐसे कई बच्चे आपने देखा कि वो पढ़ रहे हैं उनके चॉइस यानी हमारे स्कूल नहीं उनके चॉइस ऑफ द स्कूल उसमें वो पढ़ रहे हैं तो सवाल ये है कि पावर्टी इज़ द मेन रीज़न इट इज़ नॉट द एटीट्यूड पावर्टी को अगर आपको हैंडल करना है तो उससे आपको और किसको करना है अगर यही मौज़िन और अगर वहाँ के जो इमाम हैं उनको अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं तो उनका इंटरेक्शन हो रहा है दूसरों के साथ और इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है तभी वो समझेंगे हमारी अच्छायाँ दूसरों को और दूसरों की अच्छाइयाँ अपनों में लाना अगर है तो ये वो तबका है जो कि मौसर होता है अपने समाज में उस उनको इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है ये हमने इम्प्लीमेंट किया और ये बहुत सक्सेसफुल उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है नेक्स्ट ये दीनियात हम सिखा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम बच्चों को ये देखा गया है कि ख़ास कर वो मॉरल एजुकेशन या उनके घरों में वो यो नहीं तो माहौल नहीं होता उनको वो तरबियत नहीं मिलती तो हमने दीनियात का भी एक कोर्स शुरू किया है रेगुलर स्कूल के साथ एक टाइम टेबल में हमने दीनियत का रखा है इसमें ये चेंज है कि उनका बिहेवियरल चेंज है बच्चों में पेरेंट्स में उनके सोच में चेंज है और उससे फ़र्क होता है सेम टाइम मॉरल एजुकेशन हम नॉन मुस्लिम्स बाकी बच्चों को भी हम देते हैं क्योंकि मॉरल एजुकेशन या दीनियात इसमें कोई हमें मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता लेकिन उससे यह है कि उनका टोटल एटीट्यूड में चेंज होता है नेक्स्ट ये स्पोर्ट्स के थोड़ा सा मैंने देखा क्यों क्योंकि अक्सर हम स्पोर्ट्स को पीछे भूल जाते हैं ओवरऑल पर्सनालिटी में हमने स्पोर्ट्स एकेडमी इस्टेब्लिश की है और तमाम स्कूल और कॉलेजेस के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं उनको साथ लाया है और रिजल्ट ये है कि हमारे यहाँ तीन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं फिफ्टी सेवन हमारे यहाँ नेशनल प्लेयर्स हैं अनीसा सैयद जो थी वो हमारी स्टूडेंट्स रही है अभी इंटरनेशनल हुए ऐसे कई है नहीं कि ये है सवाल ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स होने चाहिए और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए नेक्स्ट रिजल्ट the पहले मुस्लिम लड़कियां हॉकी खेलती नहीं थी और खेलती थी तो उनका ये ड्रेस कोड हुआ करता था हमने कहा कि ड्रेस कोड नहीं आप जो भी है जैसे भी आपको खेलना है फुल पैंट के साथ लेकिन खेलिए ज़रूर तो शुरू में वो खेल लेकिन अब इंटरनेशनल नेशनल हर दिन अब मैं बैठी थी तब भी मैसेज आ रहे थे कि हमारे यहाँ वो बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर ये बीट कर रहे हैं दूसरे कॉलेजेस को तो सवाल ये कि अपॉर्चुनिटी दी जाए उनको और उनको सही ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत कुछ फ़र्क होता है दीज आर द ऑल स्पोर्ट्स के रिजल्ट नेक्स्ट थैंक यू वेरी मच लेकिन मेरा फिर अदा है कि अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ मैं कभी इन्हें नेगेटिव नहीं सोच और मेरा ऐसा ख्याल है जहाँ जिस कदर आप सोचो बस बिस्मिल्लाह कर दीजिए काम करना शुरू कर दें अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकि अपनी फ़ितरत है न नूरी है न ना न नारी है तो अमल करना चाहिए सेमिनार्स और भाषण भूल जाइएगा काम शुरू करें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं माहौल बहुत अच्छा है मैंने कभी नहीं सोचा हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हम सबको हक़ है कि अपने अपने राइट्स इम्प्लीमेंट हम करें लेकिन हम करते ही नहीं है हमें खुद अपने राइट्स पता नहीं है तो राइट्स की मालूमत होनी चाहिए सही तरीके से मालूम होना चाहिए और अपने फ़र्ज़ की अदायगी भी होनी चाहिए हम उंगली दूसरों की तरफ बताएं तो मेरी तरफ तीन उंगलियाँ होती तो मेरा थ्री सेवेंटी फाइव परसेंट जिम्मेदारी तो मेरी होती है तो हर कोई ये समझे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ काम हो सकता है बहुत कुछ काम हो रहा है मैं इन्हें उसका स्टैटिस्टिक भी दे सकती हूँ इसके हमने स्टेट लेवल पर जो सेमिनार्स लिए थे रीजनल लेवल पर जो सेमिनार्स लिए थे महाराष्ट्र बहुत अच्छे पोजिशन पर है आप देख लीजिए का हरियाणा टू लिटरेसी रेट है तो हमको पीछे नहीं देखना है लेकिन आगे बढ़ने के भी देर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ये सही है लेकिन करें कौन सवाल यह आता है कि क्या करें और कौन करे तो मेरे ख्याल से हम सब ने करना चाहिए गवर्नमेंट हो के एन हो के बाकी कोई हो सब ने मिल करना चाहिए गवर्नमेंट कोई नेगेटिव नहीं है हम पुटअप सही से नहीं करते हम अपनी चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बहुत सारी बातें ब्यूरोक्रेसी के उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें उसको भी समझना चाहिए और एक इंटरेक्शन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और पिछले 25-30 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हर ऑफिसर अच्छा होता है पॉजिटिव होता है करना चाहता है लेकिन उसके अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं कुछ कानून के लिमिटेशंस होते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हमने काम किया है पच्चीस तीस सालों में आज हमारे यहाँ तीस इंस्टीट्यूट है सत्ताईस हज़ार स्टूडेंट्स हैं बारह प्रोफेशनल कॉलेज है colleges, वो ज़मीन जो थी सिर्फ बंजर ज़मीन थी आज माशा वहाँ इल्म का मीनारा है और हर कोई ये कर सकता है ये नहीं मैं कह सकती कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं आप सब में वो टैलेंट है आप सब में वो कैपेसिटी है आप शुरू तो करें खेड़ में उन्होंने शुरू किया बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमेशा हम उनको सपोर्ट करते हैं हर एक को करते हैं यहाँ ये यह भी हैं असलम भाई भी बैठे हुए हैं वहाँ भी हमने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लैब शुरू कर दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ से भी आ रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू टू गिव ऑल द डिटेल्स एंड ऑल रिपोर्ट थैंक यू वेरी मच